ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि होटल के रूम से शुरू होता है, जहाँ पे दो अनजान लोग एक दूसरे के लिए इतने इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हाना नाम के एक लड़की को देखते हैं जो कि एक होटल के रूम में सोई होती है। तभी उसे कुछ याद आता है और वो अचानक से उठ जाती है। वो कुछ चीजें को सोच कर काफी डर रही होती है कि तभी वहाँ पे एक लड़का आता है और वो हाना को दवाई देता है। इसका नाम यूस्की होता है। तभी यूस्की अचानक से हाना को किस करने लगता है और यहीं से सीन थोड़ा फ्लैशबैक में जाता है, जहाँ पे हाना एक गर्ल पूल में नहा रही होती है और याद कर रही होती है कि कैसे उसका बॉयफ्रेंड ने उसे धोखा दिया। तभी वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम मियांग होता है और ये हाना की फ्रेंड होती है और वो हाना को कहने लगती है कि भूल जाओ उस कमीने को, उसने तुम्हें छोड़कर किसी दूसरी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं उस कमीने को मार मार के हॉस्पिटल भेज देती। ये सुनकर हाना हंसने लगती है। ये दोनों बचपन से काफी क्लोज फ्रेंड होता है। तभी ये दोनों जब नहा के बाहर आता है तो हाना अपने पर्स में देखती है कि उसका फोन ही गायब होता है। जब हाना मियांग को फोन ढूंढने में हेल्प करने को कहती है तो मियांग बोलती है, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, तुम्हारा फोन यहीं कहीं आसपास होगा, तुम ढूंढ लो, वो मिल जाएगा। तो हाना खुद ही अपना फोन ढूंढने लगती है और मियांग यहाँ बैठकर लड़कों के प्रोफाइल देख रही होती है, क्योंकि मियांग को बस नए नए दोस्त बनाना और उसके साथ घूमना फिरना और फिर उसके साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाना पसंद होता है। और इधर हाना अपना फोन ढूंढ ही रही होती है कि तभी वहाँ पे यूस्की नाम के एक लड़का आ जाता है और वो हाना को कहता है, आप यहाँ पे क्या ढूंढ रहे हैं? तो हाना बोलती है, मेरा फोन यहीं कहीं खो गया है, वो नहीं मिल रहा है। तभी यूस्की जाके होटल के मैनेजर से कहता है, एक लड़की का फोन खो गया है, क्या आप उसे ढूंढने में हेल्प कर सकते हैं? तभी यूस्की हाना को वहाँ बुलाता है और होटल के मैनेजर को अपने फोन के बारे में बताने को कहता है। तो हाना उसे अपने फोन के बारे में बता देती है। तभी तुरंत यूस्की हाना को कहता है, आप अपना फोन नंबर मेरे फोन में डायल कीजिए। तो हाना उसके फोन में नंबर डाल देती है और यूस्की हाना के फोन को रिंग को सुनते हुए होटल के रूम की तरफ चला जाता है। उसी होटल में एक नारी नाम का लड़का जा रहा होता है कि तभी होटल के बाथरूम से किसी का फोन रिंग सुनाई देता है। वहाँ आसपास कोई नहीं होता है तो वो खुद ही जाके कॉल को उठा लेता है। तभी वहाँ पे अचानक से मियांग आ जाती है और नारी को देखते ही कहती है, तुम कौन हो और लेडीज बाथरूम में क्या कर रहे हो? तो नारी बोलता है, ये अपना फोन कोई यहीं पे भूल गया है। इधर हाना अकेली बैठकर होटल के मैनेजर को देख रही होती है, जो कि हाना के फोन ढूंढने के बजाय अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में लगा होता है। तभी वहाँ पे सब आ जाता है और यूस्की हाना को फोन देते हुए कहता है, तुम अपना फोन बाथरूम में ही भूल आई थी। तो हाना सबको थैंक्स बोलती है। तभी मियांग नारी को पकड़कर हाना को कहती है, इस हैंडसम बॉय ने तुम्हारा फोन को ढूंढा। तो हाना उसे भी थैंक्स कहती है, लेकिन यूस्की गुस्से से होटल के मैनेजर को देख रहा होता है, क्योंकि वो अपने कस्टमर के हेल्प करने के बजाय बस अपनी गर्लफ्रेंड से बात करने में लगा होता है। तभी यूस्की हाना को कहता है, तुम्हारा फोन खो गया तो तुमने होटल को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया, तुम इतनी डरती क्यों हो? तभी उधर से नारी आकर हाना को पकड़ लेता है और कहता है, तुम उसकी बातें को बुरा मत मानो, वो हमेशा से स्ट्रिक्ट बिहेव का रहा है। नारी और यूस्की भी दोनों फ्रेंड होता है। तभी मियांग बीच में आकर कहती है, चलो सब अभी अपने अपने रूम में चलते हैं और रात का डिनर सब साथ में करते हैं। जिसके बाद सभी अपने अपने रूम में आ जाता है, जहाँ पे मियांग हाना को कहती है, तुम्हें उन दोनों हैंडसम लड़कों में से कौन पसंद है? तो हाना कहती है, मुझे कोई पसंद नहीं है। जिस पर मियांग कहती है, इसका मतलब मैं उन दोनों में से किसी को भी चुन सकती हूँ। जिसके बाद सभी एक साथ बैठकर रात का डिनर कर रहा होता है, जहाँ पे सभी एक दूसरे के सामने अपने अपने ब्रेकअप के बारे में बताता है। लेकिन मियांग तो बस यूस्की को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूस्की को तो हाना में इंटरेस्ट होता है। वो हाना को कहता है, जब तुम 2 सालों से अपने बॉयफ्रेंड के साथ थी तो तुम्हें कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कमीना तुम्हें धोखा दे रहा है? क्या तुम्हें हंसने के सिवाय कुछ दिमाग चलाना नहीं आता है? वो कमीना किसी दूसरी लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था, उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया, तुम्हें तब पता चला जब वो तुमसे ब्रेकअप किया। यूस्की हाना को ऐसे डांट रहा होता है जैसे कि वो उसका बॉयफ्रेंड हो।
ये सुनते ही हाना को गुस्सा आ जाता है और वो युज़की को कहती है, आपके एडवाइस के लिए थैंक्स, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता है मुझसे इस तरह से बातें करने का। तभी नारी सिचुएशन को संभालने लगता है, लेकिन हाना यहाँ से उठकर चली जाती है और जाते हुए सोच रही होती है कि मुझे सबके लिए इतना अच्छा बिहेव नहीं करना चाहिए वरना लोग मेरा फायदा उठाएंगे। तभी नेक्स्ट डे हाना टोक्यो शहर वापस आ जाती है और अपने ऑफिस में काम कर ही रही होती है कि तभी उधर से उसे मियांग का कॉल आता है और वो युज़की से कहती है, तुम्हारे पास युज़की का फोन नंबर है ना, क्या तुम मुझे वो नंबर दे सकती हो, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में मैं दोनों से नंबर लेना भूल गई। आज मैं वो दोनों को फिर से बुलाने वाली हूँ और तुम्हें भी आना होगा। जिस पर हाना कहती है, नहीं मैं नहीं आऊंगी, उस रात की वजह से मैं काफी शर्मिंदा हूँ, मैं तुम्हें उसका नंबर सेंड कर देती हूँ। हाना मियांग को युज़की का नंबर भेज देती है और जब रात को अपना काम खत्म करने के बाद वापस घर जा रही होती है कि तभी अचानक से उसके सामने मियांग आ जाती है काफी सच सवर कर और हाना को कहती है, तुम्हें भी अभी मेरे साथ जाना होगा, मैंने दोनों को कहा है कि तुम भी मेरे साथ आ रही हो। तभी हाना मियांग को कहती है, क्या तुम नारी को पसंद करती हो, तो मियांग कहती है, नहीं वो तो एक प्ले बॉय लगता है, मैं तो युज़की को पसंद करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो मेरे साथ लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रखेगा। मियांग हाना को जबरदस्ती वहाँ लेके आ जाती है जहाँ पे एक बार फिर से सभी मिल जाता है, लेकिन हाना को अजीब लग रहा होता है इसीलिए वो कोई बहाना बनाकर यहाँ से फिर से चली जाती है। हाना को जाते देखकर युज़की भी कहता है, सॉरी मुझे भी कुछ काम याद आ गया, मुझे भी जाना होगा, वो भी हाना के पीछे जाता है। ये देखकर मियांग तो समझ जाती है कि युज़की हाना को चाहने लगा है। अब मियांग को तो काफी गुस्सा आता है और इधर हाना जाते जाते अचानक से वही रास्ते में ही बैठ जाती है कि तभी वहाँ पे युज़की भी आ जाता है और हाना से पूछता है, क्या तुम ठीक हो, नहीं तो चलो हम कहीं आराम करने चलते हैं। जिस पर हाना कहती है, नहीं मैं ठीक हूँ। फिर भी युज़की हाना को अपने कंधे पर उठा लेता है तो हाना उसे कहने लगती है, मैं थोड़ा काम की वजह से थक गई हूँ, बस इतना ही, मुझे नीचे उतार दो। लेकिन युज़की हाना का एक बात भी नहीं सुनता है, वो हाना को एक होटल में लेके आ जाता है। तभी सीन परजेंट में आता है जहाँ युज़की और हाना एक रूम में होता है और तभी युज़की हाना को किस करने लगता है तो हाना युज़की से दूर हटने लगती है। तो युज़की हाना से पूछता है, क्या हुआ, तो हाना बोलती है, कुछ भी तो नहीं। जिसके बाद युज़की फिर से हाना को किस करने लगता है तो हाना उसे रोक देती है, जिस पर युज़की हाना को कहता है, अगर तुम्हें ये सब नहीं करना था तो तुम मुझे पहले बताती ना। वो यहाँ से गुस्से में उठकर जाकर सोफे पर बैठ जाता है और हाना को कहता है, सॉरी मैं थोड़ा मतलबी किस्म का लड़का हूँ। जिस पर हाना कहती है, कोई बात नहीं, तुम पर ऐसा बिहेव अच्छा लगता है। ये सुनकर युज़की थोड़ा नर्वस हो जाता है और इधर नारी और मियांग एक दूसरे के साथ किस कर रहा होता है और बेड पे जाके रोमांस करने लगता है। और इधर हाना बार बार युज़की को देख रही होती है, जिस पर युज़की हाना को कहता है, तुमने अपना आंखें क्यों खोल लिया, आराम से सो जाओ। तो हाना पीछे मुड़कर सो जाती है और यहाँ पे ये दोनों फिजिकल हो रहा होता है कि तभी नारी मियांग को कहता है, मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर मियांग कहती है, इसकी जरूरत नहीं है, मुझे बस तुम्हारी छोटी सी हेल्प चाहिए। तो नारी उसे पूछता है, कैसी हेल्प, तो मियांग उसे बताती है कि मैं युज़की को पसंद करती हूँ, क्या तुम मुझे उसके करीब लाने में हेल्प करोगे। कि तभी नारी मियांग को कहता है, ठीक है मैं तुम्हारा हेल्प करूँगा, लेकिन तुम्हें भी मेरा हेल्प करना होगा मेरे करीब हाना को लाने में। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग ये दोनों होटल से बाहर आता है जहाँ पे हाना काफी खुश होती है कि तभी हाना को देखकर युज़की कहता है, तुम इतना चिल्ला क्यों रही हो। तो हाना युज़की को कल के हेल्प के लिए थैंक्स बोलती है, जिस पर युज़की हाना को कहता है, नहीं ऐसे काम नहीं चलेगा, तुम्हें मेरे साथ कभी खाना खाना होगा। ये दोनों एक दूसरे से बातें कर ही रहा होता है कि तभी उधर से मियांग का कॉल आता है और वो हाना से पूछती है, क्या युज़की कल रात तुम्हारे साथ था। तो हाना झूठ बोलती है, नहीं युज़की मेरे साथ नहीं था। लेकिन हाना काफी घबरा रही होती है और युज़की उसे देख रहा होता है। तभी युज़की हाना के पास जाके उसे पूछता है, तुम इतने देर से किससे बातें कर रही हो। तो हाना युज़की को बाय बोलकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन युज़की को हाना का ऐसा बिहेव और पसंद आता है। युज़की जब अपने घर आता है तो देखता है नारी जमकर स्मोकिंग कर रहा होता है और युज़की के आते ही उसे पूछता है, कल तुम हाना के साथ सोए थे। जिस पर युज़की कहता है, अपना बकवास बंद करो। और इधर हाना को जब भी ऑफिस में लंच ब्रेक मिलता तो वो खाना खाने के बजाय घंटों युज़की से बात किया करती, जहाँ पे हाना युज़की को कहती है, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। जिस पर युज़की उधर से बोलता है, मैं तभी मानूंगा जब तुम मुझसे अकेले में मिलने आओगी।
तो हाना नेक्स्ट डे यूस्की से मिलने वहाँ पहुँच जाती है, जहाँ पे वो काफी नर्वस होती है कि तभी उधर से यूस्की भी आ जाता है, जिसके बाद वे दोनों एक रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे यूस्की हाना को देख देख कर काफी रोमांटिक बातें कर रहा होता है। लेकिन हाना तो काफी नर्वस हो रही होती है, तभी यूस्की हाना को अपने पास बुलाता है। हाना जब आती है तो यूस्की उसके सर पे हाथ रख के बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जिसके बाद यूस्की हाना को प्यार से खाना खिलाने लगता है और फिर खुद ही खा लेता है। ये देख कर हाना को काफी हंसी आती है। तभी दोनों पूरे दिन घूमने के बाद यूस्की हाना को उसके घर छोड़ने आता है और हाना को कहता है, मैं तुम्हारे साथ कुछ और देर टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। यूस्की की बातें को सुनकर हाना को लगता है कि यूस्की मुझे अकेला पाकर कुछ करना दे। हाना यूस्की को झूठ बोलती है कि अभी मुझे कुछ काम है, तो यूस्की भी समझ जाता है कि हाना मुझे अपने घर के अंदर नहीं ले जाना चाहती है। यूस्की काफी सैड होके यहाँ से जा रहा होता है कि तभी हाना पीछे से यूस्की को बोलती है, क्या तुम मेरे घर के अंदर नहीं आओगे? ये सुनते ही यूस्की रुक जाता है, जिसके बाद यूस्की हाना के घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पे वो मियांग और हाना के बचपन का फोटो देख रहा होता है। तभी हाना यूस्की को बताती है कि बचपन में जब भी मुझे कोई परेशान करता था तो मियांग आके मुझे बचाती थी, वो हमेशा से मेरे लिए हीरो रही है। ये सुनते ही यूस्की हाना के करीब जाके कहता है, अब मैं तुम्हारा हीरो बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ हाना। यूस्की हाना को किस कर ही रहा होता है कि तभी हाना पीछे हट जाती है और यूस्की को कहती है, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तभी मैं तुम्हें जवाब दे पाऊंगी। जिस पर यूस्की कहता है, ठीक है, लेकिन कहीं तुम मुझे रिजेक्ट तो नहीं कर दोगी ना? मैं ऑफिस में मैनेजर हूँ, इसीलिए मुझे हमेशा बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है, लेकिन जब भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। यूस्की हाना को किस कर लेता है और बोलता है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ये कह के वो यहाँ से चला जाता है। इधर मियांग नारी को कॉल करके पूछती है, क्या यूस्की ने हाना के बारे में कुछ बताया? तो नारी कहता है, नहीं, लेकिन मुझे लगता है वे दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, तुम्हें अब यूस्की का पीछा छोड़ देना चाहिए। लेकिन मियांग किसी भी कीमत पर यूस्की को पाना चाहती है, इसीलिए वो नेक्स्ट डे हाना को मिलने बुलाती है। हाना जब आती है तो वो मियांग को बताती है कि मैं यूस्की को पसंद करती हूँ, तुम्हें इसे कोई परेशानी तो नहीं है ना? जिस पर मियांग कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम उसे पसंद करती हो, मैं खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, यूस्की कल मेरे साथ फिजिकल हुआ, वो आज मुझसे मिलने भी आने वाला है। ये सुनते ही हाना एकदम से शॉक हो जाती है और मियांग को कहती है, थैंक यू मुझे सच बताने के लिए। हाना यहाँ से उठकर चली जाती है, लेकिन वो अपना कोट यहीं पे भूल जाती है। तभी उधर से यूस्की मियांग से मिलने सच में आ जाता है, लेकिन वो मियांग को कहता है, तुमने मुझे मिलने के लिए क्यों बुलाया? तो मियांग इधर उधर की बातें करने लगती है और यूस्की को कहती है, तुम स्मोकिंग करना चाहते हो, वहाँ कर सकते हो। तो यूस्की कहता है, मैंने स्मोकिंग छोड़ दिया क्योंकि हाना का मेरा स्मोकिंग करना पसंद नहीं है। वो जाके टेबल पे बैठ जाता है और उधर से हाना छुप कर दोनों को देख रही होती है कि तभी हाना देखती है कि यूस्की मियांग को किस कर रहा है। ये देख कर वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सोचने लगती है कि मैं फिर से धोखा खा गई, मैं कैसे सब पर इतनी जल्दी भरोसा कर लेती हूँ। तभी वहाँ पे अचानक से नारी आ जाता है और हाना को कहता है, तुमने ये अपना कोट मियांग के पास ही भुलाई थी, तो उसने मुझे ये तुम्हें देने को कहा। तभी उधर से मियांग जानबूझकर यूस्की को कहती है, देखो नारी हाना को गिफ्ट दे रहा है, हाना नारी को पसंद करती है, उसने मुझे बताया था और वो तुम्हारे बारे में काफी अराब सराब बक रही थी। ये सुनकर यूस्की एकदम से शॉक्ड हो जाता है और दोनों को इस तरह से देखकर तुरंत नारी को कॉल करके पूछता है, तुम हाना के साथ क्या कर रहे हो? तो नारी भी झूठ बोलता है कि हाना कुछ सामान मेरे पास ही भुलाई थी, मैं उसे वो लौटाने आया हूँ। ये सुनकर यूस्की कहता है, जल्दी से हाना को फोन दो। तो नारी हाना को कहता है, लो यूस्की तुमसे बात करना चाहता है। हाना जो ही फोन लेती है तो यूस्की हाना को कहता है, तुम ये क्या कर रही थी? जिस पर हाना कहती है, यही बात मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम मियांग के साथ क्या कर रहे थे। ये दोनों को अलग करके उधर से मियांग छुप कर सब देख रही होती है क्योंकि उसका बनाया हुआ प्लान पूरी तरह से काम कर गया होता है। लेकिन यूस्की को तो अब काफी गुस्सा आता है, वो तुरंत फोन को रख कर वहाँ पहुँच जाता है और नारी से पूछने लगता है कि तुम इसके साथ क्या कर रहे थे, क्या तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? तो नारी बोलता है, नहीं तुम गलत समझ रहे हो। लेकिन यूस्की किसी की बात ही नहीं सुनता है और वो हाना से कहता है, अगर तुम्हें नारी पसंद था तो तुमने
मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तभी हाना भी बोलने लगती है, ओ जब तुम पकड़े गए तो मुझ पे इल्जाम लगाने लगे। तुमने क्या सोचा कि जैसे मुझे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे बेवकूफ बनाया, तुम भी मुझे उसी तरह बेवकूफ बनाओगे। हाना काफी रो रही होती है तो युज़की उसे संभालने लगता है। तभी ये दोनों को इस तरह से देखकर युज़की को सच में लगने लगता है कि ये दोनों जरूर रिलेशनशिप में है। वो गुस्से से यहां से चला जाता है। युज़की जा ही रहा होता है कि तभी वहां पे अचानक से मियांग आ जाती है और झूठ मूठ का एक्टिंग करने लगती है, जैसे कि उसे कुछ पता ही नहीं। और वो युज़की से कहती है, क्या तुम ठीक हो? लगता है तुम हाना को चाहने लगे थे, लेकिन उसने तो तुम्हें धोखा दिया। युज़की अभी काफी गुस्से में होता है, इसीलिए वो मियांग से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर चलोगी? मियांग तो यही चाहती थी कि वो युज़की के साथ घूमे फिरे। वो तुरंत मान जाती है और युज़की के साथ जा रही होती है और सोचती है, अब युज़की मेरा है। दोनों एक क्लब में साथ बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है, जहाँ पे युज़की के बुरे वक्त में मियांग उसका साथ दे रही होती है। इसीलिए युज़की मियांग को कहता है, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो। ये सुनते ही मियांग युज़की को देखने लगती है और जाके युज़की को किस कर लेती है। ये देखकर युज़की मियांग से दूर हटकर जाकर बैठ जाता है और मियांग से कहता है, क्या तुमने ज्यादा ड्रिंक कर ली है? जिस पर मियांग कहती है, नहीं मैं नशे में नहीं हूँ। वो फिर से युज़की के पास जाके उसे इधर उधर किस करने लगती है, लेकिन युज़की उसे छोड़ने को बोल रहा होता है, लेकिन मियांग उसे नहीं छोड़ती है। तो युज़की उसे एक जोरदार पंच बैठा देता है और यहां से उठकर चला जाता है। इधर हाना काफी रो रही होती है कि युज़की ने भी उसे धोखा दिया। और यहां पे युज़की मियांग को उसके घर छोड़ने जा रहा होता है, तो मियांग को लगता है कि युज़की मेरे घर जाके वो सब करना चाहता है। तभी वो युज़की के पास जाके उसे कहती है, मेरा रूम बहुत ही गंदा है, क्यों ना हम होटल में चले? जिस पर युज़की मियांग को कहता है, तुम्हारा मतलब क्या है? मैं तुम्हें उस तरह से नहीं देखता जिस तरह से मैं हाना को देखता हूँ। तभी मियांग युज़की को बता देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो युज़की के पास जाके उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन युज़की मियांग को रिजेक्ट कर देता है। कुछ दिनों के बाद हाना अपने ऑफिस में होती है और अपने फोन को चेक करते हुए सोच रही होती है कि उस दिन के बाद ना ही तो मुझे युज़की ने कॉल किया और ना ही मियांग ने। लगता है दोनों सच में रिलेशनशिप में है। हाना उस किस के मोमेंट को याद करके एकदम से हड़बड़ा उठती है, जिसकी वजह से वहाँ की एक एम्प्लॉय काफी डर जाती है। इधर मियांग फिर से युज़की के घर आती है, लेकिन वहाँ पे नारी होता है। युज़की अभी तक ऑफिस से नहीं आया होता है कि तभी मियांग नारी को कहती है, आज मैं तुम्हारे साथ फिजिकल होने नहीं आई हूँ। ये सुनते ही नारी मियांग को कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हारा यूज कर सकूँ? तुम हमेशा लोगों के बारे में गलत क्यों सोचती हो? मियांग तुम भी एक अच्छे इंसान हो, लेकिन तुम्हें हाना और युज़की को अलग करके क्या मिला? तुम लाख कोशिश कर लो फिर भी युज़की तुम्हारा कभी नहीं होगा। ये दोनों की बातें हाना भी सुन लेती है, क्योंकि हाना भी वहाँ पहुँच गई होती है और जाके मियांग से कहती है, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं तुम्हें अपना सबसे अच्छा फ्रेंड मानती थी, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तभी मियांग भी हाना को कहती है, क्या तुमने कभी मेरे फीलिंग के बारे में सोचा? मैंने तुम्हें पहले ही बताया था ना कि मैं युज़की से प्यार करती हूँ, फिर भी तुम हम दोनों के बीच आ गई। मियांग की बातें को सुनकर हाना यहाँ से जा रही होती है और जाते जाते नारी को मियांग का ख्याल रखने को कहती है। नारी जब हाना को बाहर छोड़कर आता है तो मियांग को देखकर उसे कहता है, तुमने हाना के साथ कितना बुरा किया, फिर भी वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोच रही थी। मुझे लगता है कि अब तुम्हें युज़की के बारे में सोचना छोड़ देना चाहिए, मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा। नारी ऐसा इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वो मियांग को प्यार करने लगा था। तभी मियांग भी नारी को कहती है, मैं अकेलापन सहन नहीं कर सकी, इसीलिए मुझसे ये सब गलती हो गया। तो नारी मियांग को बताता है कि बचपन में मेरी मॉम ने दूसरी शादी कर ली थी और जब मेरा छोटा भाई आया तो मुझे अपने ही घर में एक अनजान व्यक्ति सा महसूस होने लगा, इसीलिए मैंने हमेशा हमेशा के लिए घर छोड़कर यहाँ आ गया। तब से मैं भी अकेला हूँ। ये दोनों बातें कर ही रहा होता है, अभी वहाँ पे युज़की ऑफिस से आ जाता है तो नारी और मियांग उसे बताता है कि हाना तुम्हें ढूंढने यहाँ आई थी, जल्दी जाओ, वो अभी रास्ते में ही होगी। ये सुनते ही युज़की जल्दी से अपना बैग और कोट फेंक कर नारी को देता है और भागते हुए हाना को ढूंढने जाता है। इधर हाना रोते हुए जा रही होती है कि तभी रास्ते में एक लड़का जो गाना बजा रहा होता है वो हाना को रोते देख कर उसके पास आता है और आंसू पोंछने के लिए हाना को एक हैंकी देता है। उसी वक्त उधर से भागते हुए युज़की भी आ जाता है और हाना
को कहता है, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। यूस्की हाना को उसके घर लेके आ जाता है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को गलत समझने के लिए माफ़ी मांगता है। लेकिन हाना काफ़ी शर्मिंदा होती है, जिस पर यूस्की उसे बहुत ही प्यार से कहता है, अब इतना मत सोचो। तभी हाना यूस्की के हाथों पर एक पैच को लगा देख लेती है, तो यूस्की हाना को बताता है, ये एक निकोटिक पैच है, तुम्हें स्मोकिंग पसंद नहीं है ना, इसलिए मैं स्मोकिंग को छोड़ना चाहता हूँ। जिस पर हाना यूस्की को कहती है, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो, फिर भी मैंने उस दिन देखा तुम मियां को किस कर रहे थे, तुम दोनों इतने करीब थे। जिस पर यूस्की हाना को बताता है कि उस दिन मियां की आंखों में कुछ पड़ गया था, इसीलिए मैं उसकी हेल्प कर रहा था। ये सुनकर हाना हंसने लगती है और कहती है, चलो तुम दोनों के बीच कुछ भी नहीं हुआ। तभी यूस्की कहता है, नहीं, हम दोनों ने किस किया था, जब मैं मियां को क्लब में ड्रिंक करने लेकर गया तो वो मेरे साथ जबरदस्ती किस करने लगी और मुझे प्रपोज भी की। ये सुनते ही हाना कहती है, मुझे पहले से पता था कि वो तुम्हें पसंद करती है, लेकिन मैं तुम दोनों के बीच में आ गई, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। तभी यूस्की जाके हाना को गले से लगा लेता है और कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, जब से मैंने तुम्हें देखा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ। तो हाना भी मान जाती है। इधर रात में दोनों एक दूसरे के साथ फिर से फिजिकल होता है और जब मियांग नहा रही होती है तो नारी उसे हाना से माफी मांगने को कहता है। ये सुनते ही मियांग काफी भड़क जाती है। फिर बाद में उसे समझ आता है कि मुझे हाना से सच में माफी मांगना चाहिए। वो जल्दी से कपड़े को चेंज करके रूम से बाहर आती है और नारी को कहती है, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, मैं हाना से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। तो नारी कहता है, ठीक है, लेकिन पहले कुछ खा लो। यूस्की बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है, वो दोपहर तक आएगा, तो हम सब दोपहर में चलेंगे। ये सुनते ही मियांग कहती है, यूस्की अपने काम के प्रति बहुत ही पैशनेटेड है ना, सच में हाना बहुत ही लकी है। जिस पर नारी मियांग के करीब जाके कहता है, तुम अपना कंपेयर हाना से मत करो, तुम सबसे अच्छी हो। जिसके बाद दोपहर का समय होता है, जहाँ पे यूस्की हाना को लेकर एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है, तभी उधर से मियांग भी नारी को लेकर आता है। मियांग ये दोनों के सामने काफी एम्बैरेसमेंट महसूस कर रही होती है, इसीलिए वो जल्दी से हाना से माफी मांग कर यहां से जाने लगती है। ये देखते ही हाना भाग कर मियांग के पास जाती है और उसे एक जोरदार पंच लगा देती है और कहती है, मैं तुमसे मिलने के लिए कल से बेचैन हूँ और तुम यहाँ से भाग रही हो। तभी दोनों को इस तरह से लड़ाई करते देखकर नारी वहाँ जाकर दोनों को कहता है, यहाँ और भी कस्टमर हैं, अगर तुम दोनों ऐसे ही लड़ाई करती रहोगी तो यहाँ का मैनेजर तुम दोनों को यहाँ से बाहर निकाल देगा, चलो बैठ के बातें करते हैं। नारी दोनों को बैठा कर खुद ये दोनों बाहर आ जाता है कि तभी नारी किसी लड़की को जाते देख कर उसे रोकता है। इसका नाम सुई होता है और ये यूस्की की एक्स गर्लफ्रेंड होता है। और इधर रेस्टोरेंट के अंदर ये दोनों एक दूसरे से माफी मांगती है और प्रॉमिस करती है, कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा अच्छे फ्रेंड रहेंगे। ये सुनते ही हाना जाकर मियांग को हक कर लेती है और इधर सुई से मिलने ये दोनों आता है, जहाँ पे यूस्की सुई से कहता है, क्या तुम अभी मुझसे माफी नहीं मांगोगी। जिस पर सुई कहती है, तुम अपना इसी बिहेव के कारण हमेशा सिंगल रहोगे। ये दोनों को बहस करते देखकर नारी यूस्की को कहता है, चलो अंदर चलते हैं, दोनों हमारा इंतजार कर रही है। ये सुनते ही सुई भी यहाँ से चली जाती है, जिसके बाद ये दोनों भी अंदर आता है तो देखता है जहाँ पे फिर से दोनों पहले जैसा ही फ्रेंड बन गया होता है। तभी मियांग हाना को कहती है, मैंने दो कॉन्सर्ट का टिकट खरीदा है, क्या तुम मेरे साथ कॉन्सर्ट देखने चलोगी। तो हाना यूस्की से पूछती है, क्या मैं कॉन्सर्ट देखने जाऊँ। तो यूस्की कहता है, हाँ जरूर जाओ, लेकिन तुम्हारे साथ मैं भी जाऊंगा। जब नेक्स्ट डे शाम को ये दोनों कॉन्सर्ट देखकर आ रही होती है कि तभी हाना वही लड़के को देखती है। जब पिछली रात हाना काफी रो रही थी तो इसी ने हाना को आके संभाला था। उसी वक्त वहाँ पे यूस्की भी आ जाता है और ये तीनों मिलकर उस लड़के के पास जाता है और हाना उसके हैंकी को वापस कर देती है। इस लड़के का नाम कनाटा होता है और ये जो ही नारी को देखता है तो काफी शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि ये नारी का छोटा भाई होता है। तभी नारी अपने भाई के पास जाके उसे पूछता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम घर छोड़कर भाग गए हो। जिस पर कनाटा कहता है, नहीं, मैं टोक्यो अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ, लेकिन वो मिल नहीं रहा, तो क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ। तो नारी बोलता है, हाँ बिल्कुल। नारी कनाटा को अपने साथ लेके जा रहा होता है और अपने बीते हुए पलों को याद कर रहा होता है कि कैसे घर छोड़ते समय कनाटा उसे जाने से रोक रहा था। कनाटा नारी के साथ उस घर में आ गया होता है, जिसकी वजह से यूस्की हाना के घर पर होता है। तभी मौका ना गवाते हुए हाना भी यूस्की को बोल देती है कि मुझे आप पसंद हैं,
तभी वे दोनों एक दूसरे को देखते ही देखते किस करने लगता है। ये दोनों अपने रोमांस में बिजी होने वाला ही होता है कि तभी उधर से हाना का फोन रिंग करने लगता है, जिसकी वजह से ये दोनों को काफी अजीब लगने लगता है। तभी हाना जाके कॉल को उठाती है तो मियांग हाना और यूज की दोनों को घर आने को कहती है, क्योंकि इधर कनाटा अपने भाई से 10 सालों के बाद मिला होता है, इसीलिए सब पार्टी करना चाह रहा होता है। लेकिन कनाटा मियांग को देखकर कहता है, क्या तुम मेरी भाई की गर्लफ्रेंड हो? तभी नारी कनाटा को बोलता है, तुम ये सब बातें पूछना बंद करो और खाना खाओ। उसी वक्त वहाँ पे केक लेके हाना भी आ जाती है, लेकिन यूस्की नहीं आता है क्योंकि वो फिर से बिजनेस ट्रिप के कारण शहर से बाहर गया होता है। लेकिन कनाटा हाना को देखकर ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे कि वो उसे पसंद करता हो, और ये सारी बातें नारी नोटिस कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे सबको पता चल जाता है कि कल यूस्की का बर्थडे था, लेकिन वो काम के चक्कर में अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं कर पाया। ये सब जानने के बाद हाना काफी अपसेट हो जाती है। तभी कनाटा हाना को बताता है कि मैं कल यूस्की को किसी दूसरी लड़की से बातें करते देखा, वो शायद उसकी एक्स गर्लफ्रेंड थी। तो हाना बात को टालते हुए कहती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अफसोस तो मुझे इस बात का है कि मैं यूस्की का बर्थडे नहीं मना पाई। तभी कनाटा बोलता है, परसों मेरा भी बर्थडे है। ये सुनते ही सभी प्लान बनाता है और कहता है कि कनाटा के बर्थडे के दिन ही हम सब यूस्की से भी उसका केक कटवाएंगे। तभी वो दिन भी आ जाता है और नारी अपने काम से ऑफिस जो ही जाता है कि कनाटा तुरंत कॉल करके हाना को अपने घर बुला लेता है और दोनों मिलकर शाम की पार्टी के लिए केक बनाने लगता है। उसी वक्त हाना कनाटा से पूछती है, तुम घर छोड़कर टोक्यो क्यों आए हो? जिस पर कनाटा हाना को बता देता है कि मैं एक सिंगर बनना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मॉम डैड इसके खिलाफ हैं। तभी कनाटा अचानक से बात करने के टॉपिक को बदलकर ऐसे बातें करने लगता है जैसे कि वो हाना का बॉयफ्रेंड हो, लेकिन हाना उसकी बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेती है। उसी वक्त यूस्की भी घर आ जाता है और अचानक से हाना को यहाँ देखकर काफी खुश हो जाता है और जाके हाना को हग कर लेता है। तो हाना यूस्की को कहती है, तुम बहुत थक गए होगे ना, जाओ जाके अपने कपड़े चेंज कर लो। तो यूस्की हाना को कहता है, मैं तुम्हें देखते ही अपनी सारी थकान भूल जाता हूँ, पर तुम दोनों यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? जिस पर हाना कहती है, आज कनाटा का बर्थडे है ना, इसलिए हम सब मिलकर पार्टी की तैयारी कर रहे थे। तो यूस्की ऊपर कपड़े चेंज करने चला जाता है, जिसके बाद सभी एक साथ मिलकर कनाटा का बर्थडे सेलिब्रेट करता है। तभी कनाटा हाना को केक बनाने के लिए थैंक्स बोलता है। ये सुनते ही यूस्की हाना को कहता है, क्या तुम्हें केक बनाना भी आता है? तुम तो सच में काफी जीनियस हो। जिस पर हाना बोलती है, पर मैं तुम्हारे लिए भी कुछ बनाई हूँ, मैं अभी उसे लेके आती हूँ। हाना यूस्की के लिए भी केक बनाई होती है और यूस्की को कहती है, मुझे तुम्हारा बर्थडे नहीं पता था, इसीलिए तुम आज केक काटोगे। ये सुनते ही यूस्की कहता है, सॉरी, लेकिन मुझे केक से एलर्जी है, मैं उसे छू भी नहीं सकता। ये सुनने के बाद हाना काफी सैड हो जाती है। तो कनाटा हाना को कहता है, तुम फिक्र मत करो, तुमने केक को बहुत ही प्यार से बनाया है, इसीलिए मैं इसे खा लूंगा। कनाटा केक ले ही रहा होता है तभी नारी तुरंत वो केक को गिरा देता है और कनाटा को बोलता है, तुमने सुना नहीं, हाना ने ये केक यूस्की के लिए बनाया है। क्योंकि नारी को पहले से पता होता है कि कनाटा हाना को पसंद करता है, लेकिन नारी के ऐसे बिहेव को देखकर मियांग को काफी गुस्सा आता है, जिसकी वजह से वो पार्टी को और बर्बाद करके यहाँ से चली जाती है। तभी गुस्से में नारी भी घर से जा रहा होता है तो यूस्की उसे रोकने लगता है, लेकिन नारी किसी का भी नहीं सुनता है और वो यहाँ से चला जाता है कि तभी यूस्की हाना को कहता है, तुम घर चले जाना, मैं नारी के पीछे जा रहा हूँ। यूस्की जो ही घर से जाता है कि तभी कनाटा उठकर हाना के पास आता है और हाना को बोलता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनते ही हाना तो एकदम से शॉक्ड हो जाती है। और इधर नारी एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है तभी पीछे से यूस्की भी आता है और यूस्की को यहाँ देखकर नारी उसे कहता है, क्या हाना कनाटा के साथ घर में अकेले है? तो यूस्की बोलता है हाँ। तभी नारी उसे कहता है, तुमने वो दोनों को अकेला क्यों छोड़ा? कनाटा हाना को पसंद करता है। ये सुनते ही नारी एकदम से शॉक्ड हो जाता है और कहता है, तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर नारी को तुम्हारा भाई कुछ भी करेगा तो मैं तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं। यूस्की जल्दी से भागते हुए घर जाता है, लेकिन इधर कनाटा हाना को उसके साथ उसे घर छोड़ने जा रहा होता है। तो हाना कनाटा को बोलती है, तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं अकेले घर चली जाऊंगी। हाना यहां से अकेले ही जाने लगती है कि तभी कनाटा फिर से हाना को कहता है, क्या तुम मुझे डेट करोगी? लेकिन हाना कनाटा को रिजेक्ट कर देती है। तभी
भी उधर से भागते हुए युस्की भी आता है और कनाटा को सामने देखकर उसे पूछता है हना कहाँ पे है। तो कनाटा उसे बता देता है कि हना घर चली गई। तो युस्की भी हना के पीछे भागते हुए उसके घर आ जाता है। युस्की को इतना परेशान होकर आते देखकर हना उसे कहती है, क्या तुम भागते हुए मेरे पास आए हो। हना जल्दी से युस्की को अपने घर के अंदर लेके आती है कि तभी युस्की हना को पकड़ लेता है और कहता है, क्या तुम्हें कनाटा ने कुछ कहा। तो हना बोलती है, हाँ उसने मुझे डेट के लिए पूछा, ये जानते हुए भी कि तुम मुझे डेट कर रहे हो। मानना पड़ेगा उस लड़के में काफी दम है। ये सुनते ही युस्की हना को किस करने लगता है और हना को बेड पे ले जाके कहता है, आज मैं तुम्हें बता दूंगा कि उसमें ज्यादा दम है या मुझ में। युस्की हना को किस करने लगता है और वे दोनों भी एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाते हैं। इधर मियांग के घर पे नारी उसे मनाने आता है, जिसे देखते ही मियांग दरवाजे को लगाने लगती है, लेकिन नारी गेट को पकड़ लेता है और मियांग को कहता है, चलो सब भूल जाते हैं और कुछ मजेदार बातें से शुरुआत करते हैं। ये सुनते ही मियांग नारी को एक जोरदार थप्पड़ बैठा देती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि लड़की सिर्फ मजे करने के लिए होती है, जब चाहे उसका यूज कर लिया और जब चाहे उसे निकाल दिया। जिस पर नारी बोलता है, मेरा वो मतलब नहीं था, तुम गेट तो खोलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। तो मियांग डोर खोल देती है, लेकिन मियांग काफी रो रही होती है। तो नारी उसे संभालते हुए बताता है कि जब भी मैं अपने छोटे भाई को देखता हूँ तो मुझे वो दिन याद आता है जहाँ सब मुझे घर में अपने ही फैमिली से अलग समझते थे। तभी मैंने फैसला किया कि अब मैं दोबारा लौट के उस घर में कभी नहीं जाऊंगा, अपने दम पर जीऊंगा। ये सुनते ही मियांग नारी को कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने दर्द में जी रहे हो। ये दोनों फिर से पहले की तरह ही साथ हो जाता है। और इधर ये दोनों भी एक दूसरे से बातें कर रहा होता है, जहाँ पे युस्की हना से पूछता है, क्या तुम कहीं घूमने जाना चाहती हो। तो हना बोलती है, हाँ मुझे गर्म पानी के झरने में जाना है। यहाँ पे नारी रात में ही जो ही घर लौट के आता है तो देखता है कनाटा काफी रो रहा होता है। तो नारी कनाटा से पूछता है, तुम रो क्यों रहे हो। तो कनाटा बोलता है, हना ने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मैं कल ही यहाँ से वापस चला जाऊंगा। कनाटा अपना गिटार निकाल कर नारी के पास आकर बैठ जाता है और कहता है, तुम्हें याद है भाई, जब भी मैं रोता था तो तुम मुझे यही गिटार बजा के सुनाते थे। जिस पर नारी कहता है, मुझे सब याद है, जाके सो जाओ, बहुत ही रात हो गई है। तभी नेक्स्ट डे कनाटा अपना सामान को लेकर यहाँ से जा रहा होता है। तो नारी कनाटा को कहता है, तुम जब चाहो यहाँ आके रह सकते हो, मुझे पता है कि तुम घर नहीं जाओगे। तो कनाटा नारी को लव यू बोलकर यहाँ से चला जाता है और जब उस जगह आता है तो देखता है जहाँ पे पहले वो गिटार बजाया करता था वहाँ पे अब कोई दूसरा इंसान बैठा होता है। और इधर सुबह में जब युस्की भी घर आता है तो नारी उसे देखते ही पूछने लगता है कि तुम खुश होने के बजाय दुखी नजर क्यों आ रहे हो, क्या तुम दोनों के बीच कुछ हुआ है। लेकिन युस्की कोई जवाब नहीं देता है। और इधर हाना भी अपने घर में काफी सैड होकर लेटी होती है कि तभी वहाँ पे मियांग आती है और हना को कहती है, लगता है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरी पीरियड रुक गई है, अब मैं क्या करूँ। तो हना मियांग से पूछती है, क्या ये नारी है। तो मियांग कहती है, और कौन हो सकता है। तभी हना मियांग को लेकर नारी के पास आ जाती है। तभी नारी दोनों को गुस्से में देखकर पूछता है, तुम दोनों मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो। तभी मियांग बोलती है, मैं शायद प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही नारी कहता है, क्या तुमने टेस्ट किया तुम प्रेग्नेंट हो या नहीं। तभी मियांग नारी से पूछती है, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट हो गई तो क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लोगे या नहीं, मुझे ये बताओ। तो नारी कहता है, क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है, पहले तुम अपना टेस्ट करो। तो मियांग उसी वक्त प्रेगनेंसी टेस्ट करने बाथरूम में जाती है और थोड़ी देर के बाद आकर सबको बताती है कि मेरी पीरियड आ गई है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनने के बाद सबको राहत की सांस मिलती है। लेकिन मियांग नारी के पास आकर उसे पूछती है, अगर मैं सच में प्रेग्नेंट होती तो क्या तुम मेरी जिम्मेदारी लेते। जिस पर नारी भी बोलता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ, पर तुमने मेरी बातों को शायद सीरियसली नहीं लिया। ये सुनते ही मियांग जाके नारी को किस करने लगती है और दोनों एक दूसरे को हक भी कर लेता है। तभी उधर से हना कहती है, तुम दोनों अपना रोमांस करना बंद करो, अभी भी मैं यहीं पे हूँ। तभी हना दोनों को ऑल द बेस्ट बोलकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन उस रात को याद कर रही होती है जहाँ पे
हाना युस्की से पूछी थी, क्या तुम अपने बर्थडे के दिन अपने एक्स गर्लफ्रेंड के साथ थे? तो युस्की कहता है, हाँ मैं उससे मिलने गया था। ये सुनते ही हाना युस्की के पास से उठकर चली जाती है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से बातें करना बंद कर देता है। लेकिन हाना हमेशा ऑफिस में युस्की की तस्वीर देखती रहती है। तभी हाना की एक को बरकर भी युस्की की तस्वीर देख लेती है, तो हाना उसे अपनी पूरी लव लाइफ के बारे में बता देती है। तभी रात को युस्की जब ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है कि तभी वो को बरकर युस्की को देख लेती है और उसके पास जाके उसे कहती है, आपका नाम युस्की है ना, मैं हाना के साथ काम करती हूँ, हाना आज ओवर टाइम कर रही है। तभी युस्की एक कॉफी के ग्लास पर कुछ लिख कर उसी को बर्गर के हेल्प से हाना के पास भेज देता है और वो भी हाना को कुछ नहीं बताती है, चुपचाप कॉफी का ग्लास वहाँ रख कर चली जाती है। इसलिए हाना को कुछ भी पता नहीं होता है कि युस्की उसके ऑफिस के बाहर कब से इंतजार कर रहा है। हाना जब अपना काम कंप्लीट करने के बाद कॉफी पी रही होती है, तभी वो उसमें लिखा देख लेती है कि मैं युस्की तुम्हारे ऑफिस के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। ये पढ़ते ही हाना भागते हुए बाहर युस्की से मिलने जाती है और जब बाहर आती है तो देखती है वहाँ पे युस्की नहीं होता है। तो हाना तुरंत युस्की को कॉल करके उसे पूछती है, तुम अभी कहाँ पे हो? युस्की हाना के पीछे ही खड़ा होता है। तभी हाना उसे देखते ही भागकर उसके पास जाती है और कहती है, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। तो युस्की भी हाना को सॉरी बोलता है और कहता है, अब मैं फिर कभी अपने एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाऊंगा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। तभी हाना युस्की को हक कर लेती है और कहती है, फिर से हम वहीं चलते हैं जहां हम पहली बार मिले थे। तभी 10 डेज के बाद ये चारों वहीं पहुंच जाता है जहां पे ये सब एक दूसरे को पहली बार मिले थे। तभी युस्की हाना को कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तो हाना भी उसे पूछने लगती है। उसी वक्त वहां पे मियांग और नारी आ जाता है, जहां पे नारी युस्की को कहता है, अब तो हाना को अकेला छोड़ दो, चलो नहाने चलते हैं। जिसके बाद सभी गर्म पानी के झरने में नहाने आता है और फिर से दोनों वैसे ही मिलता है जैसे पहली बार मिला था। उसी वक्त युस्की हाना को बाहर लेके आता है और उसे बताता है कि मेरा ट्रांसफर विदेश में हो गया है, लेकिन मैंने अभी तक बॉस को हाँ नहीं कहा, तो क्या तुम मेरे साथ विदेश चलोगी? जिस पर हाना बोलती है, मैं तुम्हारे साथ जाना तो चाहती हूँ, पर मुझे अपनी ये जॉब नहीं छोड़नी है, हम दोनों दूर रहकर भी एक साथ रहेंगे। ये सुनते ही युस्की सबके सामने ही हाना को जबरदस्ती किस करने लगता है और वहाँ से आने जाने वाले सभी लोग ये दोनों को देख रहा होता है। उस दिन के बाद से सभी अपने अपने लाइफ को अपने तरीके से जीने लगता है और इस बार युस्की जो ही एब्रॉड से आता है तो हाना को अपने साथ लेके जाता है। और ये एपिसोड के साथ साथ ये ड्रामा भी यहीं पे एंड होता है। अगर ड्रामा एक्सप्लेन अच्छा लगा हो तो बस एक लाइक कर दे एंड लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।